Assalamualaikum friends, कैसे हैं आप सब? Hopefully सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, अपने ड्रेस से ही मैंने स्टार्ट कर दिया, वो इस वजह से क्योंकि स्टार्टिंग जो है ना मेरा दिन की जो है ना सारे काम मैंने कम्प्लीट कर लिए थे और मैं जाने लगी थी अपनी प्यारी सी अम्मी के घर। वहां पर जाके जी खूब इंजॉयमेंट हमारी होती है और मेरा सबसे कीमती जो दिन होता है ना, कीमती लम्हा होता है वो अम्मी के घर का, अम्मी के साथ जो टाइम मेरा स्पेंड होता है ना वो बड़ा होता है मेरे लिए। खैर जी, ये वाला ड्रेस भी मैंने टेलर से स्टिच करवाया है और स्टिच करवाया है। मसलन आपने पहले ब्लैक ड्रेस देखा था, शॉकिंग पिंक देखा था, अब ये ब्लू वाला भी अब आपको मैं दिखा रही हूँ। अच्छा, ये गला जो है ना इतना ट्रेंडिंग में नहीं है, अब पहले था, तब मैंने इसको बनवाया नहीं, लेकिन अब मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था, मैंने कहा टेलर से ना ये वाला गला बनवाते हैं और यकीन माने उसने इतना जबरदस्त ये गला बना के जो है ना मुझे भेजा है। बिल्कुल भी डीपनेस नहीं है इतनी इसकी और ये बिल्कुल साथ गले के लगता है। मसलन नेक गले की ना इसकी शेप है, बड़ा प्यारा उन्होंने ये स्टिच करके भेजा है और ये लगता भी बड़ा प्यारा है। आप इसमें पल्स का भी यूज कर सकते हैं, आप इसको ज्यादा अगर खूबसूरत बनाना चाहें ना, मसलन फैंसी थोड़ा, कुछ पल्स वगैरह, कुछ क्रिस्टल मोती जो होते हैं ना वो यूज कर सकते हैं। फिर मैंने इसको जो है ना इस तरह स्टिच करवाया, इसका घेरे का डिजाइन मैंने ये वाला तैयार करवाया है और यहाँ पे लूप्स वगैरह लगवाए हैं और डिजाइन की उसने वैसे प्राइस तो लिए है काफी। मसलन जाहिर सी बात है किसी सूट पे अगर मेहनत ज्यादा लगती है तो फिर टेलर भी जो है ना उनकी डिमांडे बड़ी हाई लेवल पे पहुंच जाती है। अच्छा, आप लोग ना मुझे कमेंट करते हैं टिकटॉक पे भी, माशाल्लाह बहुत ज्यादा मुझे कमेंट्स आते हैं मुझे कटिंग स्टिचिंग का, आप लोग इतना ज्यादा कह रहे हो और मुझे ना हैरत होती है इस वजह से। पता किस बात की हैरत होती है कि जब मैंने ना कटिंग स्टिचिंग वाला अपना चैनल ओपन किया था ना स्टाइल सालेहा के नाम पे, तो तब मैंने ना उस चैनल पे कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट की ना, तो मुझे वहां पे कोई इतना रिस्पांस आया था लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना मैं चाह रही थी और बड़ी मुश्किल से जो है ना 500-600 सब्सक्राइबर मेरे कम्प्लीट हुए थे। लेकिन उसका एक फायदा ये हुआ कि इंस्टाग्राम पे मेरी जो है ना वीडियोज वायरल हो गई और यूट्यूब पे मुझे रिस्पॉन्स ना मिला। खैर, मैंने उस पर काम करना छोड़ दिया और जैसे ही मैंने काम करना छोड़ दिया पता नहीं किस रीजन की वजह से यूट्यूब ने मेरा चैनल जो है ना उसको डिलीट कर दिया। अब मैं इतनी डिसहार्ट हुई ना, मैंने कहा इतनी मेहनत करने के बावजूद जो है चैनल तो मेरे हाथ से चला गया। फिर मैंने इस चैनल को जो है ना न्यू अपना चैनल ओपन किया, फिर मैंने कहा जो डेली रूटीन की होगी ना मैं उसको जो है ना फिर वीडियोस उसकी अपलोड किया करूंगी। तो अब माशाल्लाह से इस चैनल के ऊपर मैंने अपनी डिजाइनिंग जो है जो मैं करती हूँ बेटियों के हवाले से वो आपके साथ शेयर की। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आप सबने इतना ज्यादा इसको लाइक किया डिजाइनिंग, और अब आप इतने कमेंट करते हैं कि मैं कटिंग स्टिचिंग की वीडियो आपको जो है ना वो अपलोड करूँ और आपको सिखाऊं जो मुझे आता है। लेकिन अभी मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अभी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, रीजन क्या है वो भी आपको बताऊंगी लेकिन अभी नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा ना मेरे लिए प्रॉब्लम है। हाँ, जब भी मैं डिजाइनिंग जो आपके साथ शेयर किया करूंगी ना उसकी जो है ना मैं आपको थोड़ी डिटेल बता दिया करूंगी अभी फिलहाल, लेकिन जब मैं मेरे लिए आसानी होगी तब मैं ना फिर आपके साथ कटिंग स्टिचिंग की अभी थोड़ी वीडियो जो है शॉर्ट में आपको बता दिया करूंगी। खैर, ये सालेहा का ड्रेस है और ये ना कपड़ा बच गया था रीशा के गरारे वाले ड्रेस में से, मैंने जी सालेहा का बना दिया इसका, देखे प्लाजो भी बन गया, ज्यादा लूज में नहीं बना और शर्ट भी बड़ी प्यारी सी स्टिच होगी। और ये मैंने ना इतनी ज्यादा इस पे मेहनत नहीं की क्योंकि जब मैं थक जाती हूँ ना दिमागी तौर पे भी थक जाती हूँ फिर मैं इतनी मेहनत नहीं करती बढ़ती, मुझे इतनी परवाह नहीं होती। लेकिन जब मैंने एक माइंड बनाया होता है ना कि मैंने इस डिजाइन को क्रिएट करना है बनाना है मैं उस पर मेहनत करती हूँ। खैर, ये वाला तो मैंने वैसे ही बना दिया लेकिन उसको प्यारा बड़ा लग रहा था। और जनाब, यहाँ पे अम्मी की तरफ हम लोग आ चुके थे, शर्मिदा सालेहा जो है ना इनके बाबा चले जाते हैं ऑफिस और जो हम फिर ऑटो वाले के साथ फिर आ जाते हैं यहाँ, फिर कभी कभार खुद भी छोड़ जाते हैं। तो मैं जी यहाँ पे आ चुकी थी और बच्चे खूब इंजॉयमेंट कर रहे थे, खूब यहाँ पे इंजॉय शॉय हो रहा था खिलौनों के साथ। और जब भी आती है ना, अच्छा मैंने अपनी बेटियों को ना इतने टॉयज वगैरह नहीं लेके दी, जब भी लेके देती हूँ ना यकीन माने तोड़ देती हैं, बेकार फेंक देती हैं, फिर मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। और अभी लेके देते हैं इनके पापा को ढोल भी लेके दे, नेक्स्ट डे जी उसका सारा कुछ इन्होंने ना कोई बाजू उधर तोड़ा हुआ है, कोई टांगे उधर तोड़ी हुई है, बस इन्होंने फेंक देनी होती है, फिर मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है, फिर मैं ना इनको लेके नहीं देती इस तरह की चीजें। ये फिर इधर आते हैं ना तो आज़िन तैयबा जो है ना इनके टॉयज होते हैं इनके साथ, फिर ये खेलती रहती है, मैंने कहा चलो ये सही है। और जी सारा ने मेरे लिए मजेदार से चिकन पॉकेट चार के रमजान में इसने खिला के ना हमें अपना शौकीन बना दिया और बनाती है और बड़े मजे के बनाती है और इसका जो मिक्सचर तैयार करती है ना आए है मजा आ जाता है। तो सीखूंगी इससे ये वाली रेसिपी क्योंकि हम लोग सिर्फ सिखाते नहीं, मसलन मैं खुद इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन मैं जहाँ तक हूँ वो आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। लेकिन कुछ चीजें हमें भी अपने अंदर जो है ना इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत पड़ती है, हम भी जो है ना हमारा भी दिल करता है चीज हमें नहीं आती ना उसको हम सीखे। अब सारा जो है ना माशाल्लाह से कुकिंग में तो वो बेस्ट है ही, सारे कामों में है, लेकिन उसकी आप एम्ब्रॉयडरी चेक कीजिएगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी ना उसके ड्रेस के हवाले से आएगी। और अभी तो उसके जो मेन ड्रेस है ना वो तो मैं आपके साथ शेयर ही नहीं करती कि वो क्या कुछ बनाती है माशाल्लाह से, ऐसे ऐसे मोटिव तैयार करती है कि मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। खैर, उसने जो चिकन पॉकेट्स बनाए बड़े मजे के बनाए थे, जल्दी ही उससे पूछ के ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। और आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म करते, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।